गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय क्लास। माय सेल्फ देशमुख मैडम, आई एम अ एनवायरमेंट टीचर। यस्टरडे यू नो दैट हम लोगों ने क्या सीखा था, स्किल बेस्ड एक्टिविटी जो कि जिम्नास्टिक। ओके, क्या सीखा था? देखो, स्किल बेस्ड एक्टिविटीज, देखो स्किल बेस्ड एक्टिविटीज, इसमें हम लोगों ने जिम्नास्टिक्स यानी कि व्यायाम एक्सरसाइज जो थी हम लोगों ने यहाँ पे की थी। ओके, टुडेज न्यू कंसेप्ट इज अटलांटिक मीन्स खेलकूद प्रतियोगिता। अटलांटिक्स मीन्स खेलकूद प्रतियोगिता। देखो 4.2, टुडेज न्यू कंसेप्ट इज 4.2 अटलांटिक्स। अटलांटिक्स मीन्स एथलेटिक मीन्स खेलकूद प्रतियोगिता। क्या है? खेलकूद प्रतियोगिता। आप लोगों को पता है अपने स्कूल में जो हम लोग प्रतियोगिता स्कूल स्पोर्ट कंपटीशन लेते हैं, है ना? क्या करते हैं? स्पोर्ट कंपटीशन। उस कंपटीशन में हम रस्सी, रनिंग, लेमन स्पून ऐसे बहुत सारे जो थे वो सब गेम खेलते हैं। उसी टाइप के जैसे कि स्पोर्ट डे रहता है अपने स्कूल में, जब स्पोर्ट डे रहते हैं उस टाइम में हम न्यू गेम्स क्रिएट करते हैं और वो नए नए गेम और कंपटीशन में रखते हैं, है ना? तो यहाँ पे एथलेटिक्स में यहाँ पे हम लोगों को 1, 2 और 3 ये 3 गेम दिए गए हैं। इसमें से आपको जो पिक्चर अच्छी लगी या जो गेम बहुत अच्छा लग रहा है उसके ऊपर आपको पुट अ टिक इन द लोन बॉक्स। आपको जो गेम अच्छा लगता है उसको हमको क्या करनी है, राइट की टिक लगानी है। चलो तो हम गेम देखेंगे यहाँ पे। देखो, आप लोगों को पता है स्पोर्ट डे के दिन हम कौन कौन से गेम खेलते हैं? एनीवन? यस, बताओ, कैन यू टेल मी? यस, हाँ, कौन कौन से? लेमन स्पून, है ना, और रनिंग, यस, थ्री लेग्स, वेरी गुड। और ये सब गेम हम कहाँ कंपटीशन में है? स्लो साइकिलिंग, वेरी गुड। और कौन कौन से गेम? यस, रेस करते हैं, पोता रेस, है ना, पता है? पोते में जैसे जंप लगानी पड़ती है, पोते में खड़े रह के उसको उठा के, वो भी पोता रेस हम लोगों ने पिछले टाइम देखा था। ओके, सो देखो अभी एथलेटिक्स में हमको 3 गेम दिए गए हैं जो कि हम अभी देखने वाले हैं। लुक एट दिस पिक्चर। देखो ये गर्ल्स है जो कि क्या कर रही है, रनिंग बैकवर्ड। जैसे रनिंग करते वक्त उसको बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ जाना है। रनिंग कौन सी कर रही है? वो पीछे की तरफ जाने वाली है। रनिंग पीछे की तरफ, आगे मुंह और पीछे की तरफ जाने की रनिंग, तो रनिंग बैकवर्ड। जो कि रनिंग करते वक्त एक्चुअली हम लोग कैसे करते हैं, इन फ्रंट साइड से, है ना, लेकिन यहाँ पे उल्टा किया है, रनिंग बैकवर्ड। ओके, पीछे की तरफ, आगे की तरफ देखना है लेकिन पीछे पीछे भागते जाना है, उसे बोला जाता है रनिंग बैकवर्ड। ओके, यहाँ पे देखो ये कौन सी इसमें जब भाग रही है, ये पिक्चर में हम लोगों को पीछे पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है। ओके, फिर जंपिंग बाय द लिफ्टिंग लेग्स अप ओवर द नी। अभी क्या किया है, जंपिंग लगा रहे हैं, अपनी नी को कैसे कर रहे हैं ऊपर की तरफ खींचते हुए, वो लिफ्टिंग लेग्स जो लेफ्ट लेग्स है उसको क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लेके जंप लगा रहे हैं। 1, 2, 3। ओके, जैसे खड़े रह के वो नी को जॉइन करके ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है जंपिंग बाय लिफ्टिंग लेग्स अप टू योर नीज। ओके, लास्ट में रनिंग अ स्ट्रेट लाइन
रनिंग करनी है लेकिन स्ट्रेट लाइन में, देखो RUNNING रनिंग, बोलो मेरे पीछे RUNNING रनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी लाइन खींचना है और उसके ऊपर ही रनिंग करनी है, ओके। फिर जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड मूवमेंट, यानी जंपिंग करते हुए हम लोग जो जंप कर रहे हैं उसमें क्या करना है आपको, मूविंग फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड करना है, मूविंग भी यानी कि बहुत सारी हलचल भी उसमें मूविंग करनी है इंग्लिश, ओके। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड, रनिंग अ बैकवर्ड, जंपिंग बाय द लिफ्टिंग लेग अप टू यूर नीज, उसके बाद में रनिंग अ स्ट्रेट लाइन, जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, जैसे जंप लगाते लगाते आपको और मूवमेंट उसमें क्रिएट करने हैं, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अथलेटिक्स में हम लोगों ने कौन कौन से गेम सीखे, यहाँ पे रनिंग बैकवर्ड जो कि भागते भागते पीछे जाना है, आगे की तरफ देखना है और पीछे जाना है, उसके बाद जंपिंग बाय द लिफ्टिंग लेग अप टू योर नीज, आपके नीज की तरफ ध्यान देके हम आपको जंपिंग लगानी है, बाद में रनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर रनिंग करनी है, और जंपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, जंप लगाते लगाते उसमें क्या करना है, मूवमेंट करना है, देखो यह इस मूवमेंट में लेग्स जो है जो पीछे की तरफ किए हैं और यहाँ पे चेयर की वैसी मूविंग की गई है, उसके बाद में ये जंपिंग में आगे की तरफ रनिंग करते हुए अलग से एक्शन ली गई है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एथलेटिक्स, ओके, थैंक यू, कमिंग टू नेक्स्ट वीडियो, बाय।